नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। पुलिस उपायुक्त श्री सुरेंद्र पाल सिंह ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पंचकूला से कुछ समय पहले 4 SUV गाड़ियां चोरी की वारदात हुई थी, जिनमें 0403 स्कॉर्पियो तथा एक इनोवा चोरी हुई थी, जिन पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए चोरी का मामला दर्ज करके मामले में आगामी कार्रवाई हेतु पुलिस उपायुक्त द्वारा टीम का गठन किया गया, जिस टीम का नेतृत्व ACP श्री सुरेंद्र सिंह यादव द्वारा करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 इंचार्ज सिंह राज सिंह व उसकी टीम सदस्य SI रमेश कुमार, SI प्रदीप कुमार, SI रवि कुमार, SI रमेश कुमार, मुख्य सिपाही गोपाल सिंह, मुख्य सिपाही जितेंद्र कुमार, C1 रोहित, C2 प्रवेश द्वारा उपरोक्त गाड़ियां चोरी के 5 मामलों में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मनोज कुमार पुत्र नारायण वासी बकरवाला दिल्ली, प्रकाश चंद्र पुत्र मंगलराम वासी गांव गडरा जिला बरमेर राजस्थान, अमित कुमार पुत्र सतीश कुमार वासी रतपुर कॉलोनी पिंजौर को दिनांक 28 अगस्त को गिरफ्तार करके पेश अदालत 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। और जिन आरोपियों से पूछताछ करने पर अन्य संलिप्त आरोपी शिवनाथ उर्फ सोनू उर्फ प्रधान पुत्र प्रताप सिंह वासी किनौनी मेरठ उत्तर प्रदेश को दिनांक 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। 4 अपराधी पकड़े जो मुख्य चोरी करते थे, बड़े खतरनाक किस्म के अपराधी है। सिंहराज 26 सेक्टर के हमारे इंचार्ज है यूनिट के, उन्होंने इसको पकड़ा, जिसमें हमारे को 4 स्कॉर्पियो, 1 इनोवा और 1 बाइक बरामद हुई उनसे। इसमें 4 अक्यूज्ड एक मनोज कुमार है, जिसके खिलाफ 59 के लगभग केस दर्ज हैं, इंडिया लेवल में काफी पर्चे दर्ज हैं, और एक प्रकाश है और एक अमित है, एक शिवनाथ है। ये 4 काफी साथियों अपराधी है जो पंचकूला पुलिस के हाथ लगे हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। काफी व्हीकल जो चोरी है उनसे बरामद की जाएगी। एक नंबर लगाकर सर ये कैसे आगे इस्तेमाल करते थे? ये गाड़ियों का नंबर चेंज कर देते थे, चोरी करने के बाद गाड़ियों का नंबर प्लेट चेंज कर देते थे। नाके आके भी होता था तो लगता था कि लोकल है, तो इसमें से निकल जाते थे और ये नंबर प्लेटें रखते थे अपनी और गाड़ी को चोरी करते नंबर प्लेट तुरंत चेंज कर देते थे। और उसके बाद कई जगह ऐसी जगह छुपा के खड़ी कर देते थे, जैसे गुरुद्वारा मंदिर कहीं या ऐसी जगह है या पार्किंग वहाँ गाड़ी खड़ी कर देते, 2 दिन के बाद 1 दिन के बाद गाड़ी को उठाते थे, क्योंकि उनको पता था पुलिस एक्टिव हो चुकी है, पेट्रोलिंग में मिलेगी, चेकिंग मिलेगी, तो इस चक्कर से बचने के लिए गाड़ी को कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड करके बाद में निकलते थे। कौन कौन सी गाड़ियाँ बरामद? हमारे से हमने इनको 3 स्कॉर्पियो और 1 इनोवा और 1 बाइक मिली है और इनसे पूछताछ की जा रही है, रिमांड लिया जा रहा है और इनसे काफी कुछ निकलने की काफी संभावना है। ये वारदातें करते हैं, जो इसमें मेन बंदा है मनोज कुमार, इसके खिलाफ 159 के लगभग कोर्ट में है, हर तरह के केस इसके ऊपर दर्ज है। हीनियस मर्डर भी है, लूट भी है, एक्सटॉर्शन भी है, चोरी भी है, ये काफी खतरनाक किस्म के अपराधी है, तो हमने इनको पकड़ा है और इनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। काफी उम्मीद चीजें और ब्राउन होने की संभावना है। और इनको जल्दी ही हमने काबू किया, पूछताछ की जा रही है। कौन से गैंग से संबंधित रखते हैं? तो गैंग के भी वेरीफाई करेंगे, इस गैंग से संबंधित वेरीफाई करने के बाद जैसे होंगे पूछताछ की जाएगी, तो अभी रिमांड दिया जाएगा।